आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट बाय अ मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेट हैज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई दिया है कितना, 3 × 10⁻¹⁶ kg मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है। तो हमको क्या दी गई, क्या है वो आपको सबसे पहले, तो हमको दिया है भैया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बी होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई होता है, और दिया है डायपोल मूवमेंट म्यू दिया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको निकालना है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने होते हैं ये निकालना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है, n = 1 / 2 πm μb / I, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर वैल्यूज डालने का काम है और आंसर छोड़ाने का काम है, बहुत इजी सा सवाल है। अब बच्चों यहां पर पूछा था हमने क्या किया, n की वैल्यू तो निकाल ली है, और n की वैल्यू कितनी है, 0.637 पर सेकंड आ गई है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। हमको तो पूछा है भैया मिनट में, तो क्या करें, तो करते हैं इसको कन्वर्ट मिनट में। हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, और तो हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई 60 से, तो आंसर आ जाएगा n = 38.22 पर मिनट आ जाएगा।